Hello everyone, this is Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 9, Test 1, Passage 1, and the name of the reading is William Henry Perkin. Let's start with the reading. So today's reading's title is William Henry Perkin. Let's start with the first question. Okay, the first question is, the Michael Faraday was the first person to recognize Perkin's ability as a student of chemistry. Question A hai bhi Michael Faraday siga jada oh si first person si jinne recognize kita si Perkin di ability as a student of chemistry. But eh ji koi gal nahi hui si. The second paragraph chalo, second paragraph the third line is the likhya, his talent and devotion to the subject were perceived by his teachers. तो कौन सी जिन्हें परसीव की थी उस चीज़ पहला पता लगाई सी वो टीचर सी थॉमस हॉल ठीक है हु एनकरेज हिम टू अटेंड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स गिवन बाय द एमिनेंट साइंटिस्ट माइकल फैराडे एट द रॉयल इंस्टीट्यूशन तो वो ही सी जिन्हें क्या सी जाके भी है ना भी रॉयल इंस्टीट्यूट में जाके माइकल फैराडे दे कुछ लैक्चर्स अटेंड करन ली सो माइकल फैराडे नहीं सीगा ठीक है जिन्हें उन्होंने परसीव किया वो थॉमस हॉल सी जो टीचर सी ओके Let's move on to the second question. Okay, Michael Faraday suggested Perkin should enroll in the Royal College of Chemistry. ठीक है यह जा कितने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि माइकल फैराडे ने उन्होंने क्या सीखा भी वो एनरोल करना चाहिए रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री के बच्चों बस ये थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन दिती हुई है वो सैकंड पैरा ही दिती है जिते वह टीचर ने कहा सीखा भी जाके माइकल फैराडे से कुछ लैक्चर अटेंड करो रॉयल इंस्टीट्यूशन बट माइकल फैराडे ने उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूशन के एनरोल होने गया एक कितने भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ओके थर्ड क्वेश्चन परकिन एम्प्लॉयड ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन एज हिज असिस्टेंट परकिन ने देखो उसे क्वेश्चन किया लिखा है परकिन ने रखा सी ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन नू आपके असिस्टेंट के तौर पर इस बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है पैरा दे जिथे आप लोकेशन चैक करनी है ओके द लोकेशन इज इन थर्ड पैराग्राफ है ना फर्स्ट कॉलम फर्स्ट लाइन इसे लिखा है एट द टाइम ऑफ परकिन्स एनरोलमेंट द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वॉज हेडेड बाय द नोटेड जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन ठीक है ये नहीं रखा सीगा हॉफमैन सी जो उतों का मतलब केमिस्ट्री का हैड सी ठीक है तो परकिन की जी साइंटिफिक गिफ्ट सीगे वो किनू किने पछाने सी सब तो पहला हॉफमैन ने हॉफमैन ने अटेंशन चाहे And within 2 years, he became Hoffman's youngest assistant. This is simple, simple मतलब है एक तो youngest assistant सीखा Hoffman था है ना तो Hoffman ने उन्होंने रखा सीखा ठीक है Perkin ने ना कि Perkin ने Hoffman ने रखा सी तो इस करके आंसर फॉल्स है ओके फोर्थ क्वेश्चन Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous. A true answer. ठीक है Perkin ठीक है हजे जवानी सी ठीक है यंग सी जो उन्हों सब कुछ मतलब रिच हो गया सीगा तो फेमस हो गया सी ठीक है ऑफ द टाइम के विच एंड ये थोड़ा सेम पैरा जो आप पढ़ के हटे थर्ड पैरा फर्स्ट कॉलम फोर्थ लाइन तो लिखे परकिन साइंटिफिक गिफ्ट सून कॉट हॉफमैन्स अटेंशन ठीक है हॉफमैन के अटेंशन आए विद इन 2 years वो की बन गया हॉफमैन का यंगेस्ट असिस्टेंट बन गया परकिन नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट परकिन मेड द साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज ठीक है दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्च्यून ठीक है तो साइंटिफिक जो ब्रेक थ्रू से आए जो उन्हों कर सकता मतलब फेम एंड फॉर्च्यून दवा सकते मिले भी सके उस तो बाद उन्हें बहुत जल्दी जल्दी डिस्कवरीज की क्यों ना इन उत्ते कम किया ओके नैक्सट वन फिफ्थ द ट्रीज फ्रॉम विच क्यू नाइन इज डराइव्ड ठीक है ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका जेडे कह रहे ट्रीज ने ठीक है ट्रीज फ्रॉम विच क्यू नाइन जो निकलना है ठीक है वो कल्ले साउथ अमेरिका में ही है यह जहाँ कुछ नहीं है ठीक है देखो तुम सैकेंड कॉलम के फस्ट पैरे पढ़ो इसे लिखे एट द टाइम क्यूनाइन वॉज द ओनली वायबल मैडिकल ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया पहली गल तो वो मलेरिया के खिलाफ सिर्फ यही दवाई काम करती सी एंड द ड्रग इज डराइव फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री ठीक है वो सिर्फ वो जी बाहरली परत होंगी है उस तो ही बनता सी एंड जो कि नेटिव सी साउथ अमेरिका की ठीक है बट ये कितने नहीं लिखा हुआ भी वह कला साउथ अमेरिका च सी या वो बाहर भी पैदा होंदा सी उसे लिखा हुआ कि नेटिव सी साउथ अमेरिका दी ठीक है इस करके आप कोई भी आंसर नहीं लगा सकते तो आंसर नॉट गिवन है मतलब आप कह नहीं सकते भी वह कला साउथ अमेरिका ची सी है नहीं ओके सिक्स्थ द
Perkin होप्ड टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग फ्रॉम कोल टार वेस्ट प्रोडक्ट. उन्होंने सीए उम्मीद कर रहा सी वे उस तो कोई प्रोडक्ट बना सके, ठीक है, मैन्युफैक्चर ड्रग कर सके किस तो कोल टार प्रोडक्ट तो. आंसर ट्रू है. एंड यदि इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है फर्स्ट पेज सेकेंड कॉलम सेकेंड पैरा थर्ड लाइन लिखा ही वॉज अटेम्प्टिंग टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, Q9 फ्रॉम एनिलिन एनिक्स इनएक्सपेंसिव वो कि बहुत सस्ता सी एंड रेडली अवेलेबल कोल टार वेस्ट प्रोडक्ट जो कि कोल टार का वेस्ट प्रोडक्ट सी, ठीक है, यूज करना सी ये ड्रग न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा सी. ओके द नेक्स्ट वन इज सेवंथ. Perkin was inspired by the discoveries of the famous scientist Louis Pasteur. ठीक है, Perkin कितने भी इन्फॉर्मेशन है जी कितने गिवन नहीं है कि भी Perkin इंस्पायर्ड हो रहा है ना इंस्पायर होया डिस्कवरीज कीजिए करके कि तो फेमस साइंटिस्ट लुईस पैस्चर तो, क्योंकि कितने भी कोई गल नहीं हुई है जी इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी, ठीक है, बट लुईस पैस्चर बारे एक जरूर गल हुई है, ठीक है, फर्स्ट पेज से जो कि एंड दे विच ही गल हुई सी. लास्ट 5-6 लाइन्स पढ़नी वच पढ़ी है आप, ठीक है, इससे लिखा हुआ है एंड प्रूविंग द ट्रुथ ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुईस पैस्चर्स वर्ड दैट चांस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड्स. ठीक है, चांस किनू फेवर करता, सिर्फ जोड़े तैयार होंगे माइंड उन्होंने फेवर करता. Perkin saw the potential of his unexpected find. ठीक है, Perkin सीगा जिन्हें पोटेंशियल देखा वो अनएक्सपैक्टेड फाइंड का. ठीक है, तो लुईस पैस्चर तो इंस्पायर हो ऐसे कितने भी नहीं लिखा है. ठीक है, लस लुईस पैस्चर जी गल सी कहने सी मैं उतरा एक मतलब कहावत सी भी चांस सिर्फ उन्हें फेवर करता जो दिमाग तैयार होंगे, ठीक है, पहला ही रेडी होंगे किसी चीज़ लिए. तो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन से पूछी गई है वो कितने भी गिवन नहीं है भी वो इंस्पायर होया सी या नहीं होया सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर Perkin's डिस्कवरी, ठीक है, विद वट ग्रुप इन सोसाइटी वॉज द कलर पर्पल एसोसीएटड. ठीक है, उसकी डिस्कवरी तो पहला Perkin दी, ठीक है, किड़े ग्रुप नाल ही जुड़िया होया सीगा जो कलर है, ठीक है, वो हैगा सिर्फ रिच नाल. ठीक है, सेकेंड पेज फर्स्ट कॉलम फर्स्ट पैरा एंड दिस इज सिक्स्थ लाइन. सिक्स लाइन जो स्टार्ट कर लो लिखा है इनडीड फिर भी द पर्पल कलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्नेल. स्नेल तो एक्सट्रैक्ट किया जाता सी वॉज वन सो कॉस्टली इन्ना का महंगा सीगा सो दैट इन सोसाइटी एट द टाइम ओनली रिच कुड अफोर्ड इट. कल्ले रिच जड़े अमीर लोग सी सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वट पोटेंशियल डिड Perkin इमीजिएटली अंडरस्टैंड दैट हिज न्यू डाई हैड. देखिए उन्हें की पोटेंशियल दिख गया सी, वो पोटेंशियल की सीगा विद दैट उसकी डाई जी सी उस कमर्शियल पॉसिबिलिटी सी. कमर्शियल मीनस भी मतलब उस तो पैसा बना सकता सी बहुत सारा पैसा एंड उन्हें बनाया भी. ठीक है, तो यह सैकेंड पेज फस्ट कॉलम सैकेंड पैरा की सिक्स्थ लाइन. ठीक है, पढ़ो जिसे लिखे बट परहैप्स द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑफ ऑल Perkin's रिएक्शंस टू हिज फाइंड वॉज नियरली इंस्टेंट रिकॉग्निशन. ठीक है, उन्हें बहुत जल्दी रिकॉग्निशन मिली. ठीक है, उन्हें आप हासिल की बोला आप देखा भी वो इस चीज़ ना काफ़ी पैसा बना सकता दैट द न्यू डाई हैड कमर्शियल पॉसिबिलिटीज. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦ ਟੈਂਥ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਵਾਜ ਦ ਨੇਮ ਫਾਈਨਲੀ ਯੂਜ ਟੂ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦ ਫਸਟ ਕਲਰ Perkin ਇਨਵੈਂਟਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨਲੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਕਲਰ ਨਾ Perkin ਨੇ ਜੋ ਕਲਰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੂਵ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਹ सेकेंड पेज फस्ट कॉलम थर्ड पैरा फस्ट लाइन तो स्टार्ट है. इधर लिखा Perkin ओरिजिनली नेम्ड हिज डाई टीरियन पर्पल. ठीक है, बट इट लेटर बिकेम कॉमनली नोन एज मुएव. ठीक है, उन्हें क्या रखा था टीरियन पर्पल सीगा जो नेम सीगा वो उन्होंने दिता उन्हें टीरियन पर्पल बट उस तो बाद नाम चलिया मुएव फ्रॉम द फ्रेंच फॉर द प्लांट यूज टू मेक द कलर वॉयलेट. ठीक है, प्लांट तो लिता गया नाम. ठीक है, जो कि यूज करते थे उस कलर नू वायलेट बनाने लई. ओके, नेक्स्ट 11th. व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन Perkin कंसल्टेड बिफोर सेटिंग अप हिज ओन डाई वर्क्स. ठीक है, उन्हें केड़ा नेम मतलब लिखा व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन पर्सन का की नाम सीगा
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਡਾਈ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਪੁਲਰ, ਐਂਡ ਰੋਬਰਟ ਪੁਲਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਦੀ ਫਿਫਥ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਆਸਕਡ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਸਕੋਟਿਸ਼ ਡਾਈ ਵਰਕਸ ਓਨਰ ਰੋਬਰਟ ਪੁਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂ ਅਸ਼ਿਓਰਡ ਹਿਮ ਦੈਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦ ਡਾਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਵਰਥ ਇਟ, ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਡਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਦਊਗੀ, ਇਫ ਦਾ ਕਲਰ ਰਿਮੇਨਡ ਫਾਸਟ, ਜੇ ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਤੇ ਉਤਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲਰ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਊਗਾ, ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਫੇਡ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਸਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੋ, ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੋ ਹੈ, ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਕੋਲ ਤਾਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਡਰੱਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਈ ਨੂੰ ਆਪਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਇਨ ਵਟ ਕੰਟਰੀ ਡਿਡ ਪਰਕਿੰਸ ਨਿਊਲੀ ਇਨਵੈਂਟਡ ਕਲਰ ਫਸਟ ਬਿਕੇਮ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ, ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਾਂਸ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦ ਕੰਪਨੀ ਰਿਸੀਵ ਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਸਟ ਫਰੋਮ ਦ ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਯੂਜੀਨ ਆਫ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦ ਨਿਊ ਕਲਰ ਫਲੈਟਡ ਹਰ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਲਰ, ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਮੋਏਬ ਵਾਸ ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸ਼ੇਡ ਫੋਰ ਆਲ ਦ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਮੋਏਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, 13th ਕੁਸ਼ਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਬੀਂਗ ਟਾਰਗੇਟਡ ਬਾਏ ਰਿਸਰਚਰਸ ਯੂਜਿੰਗ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਲੇਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ 5 ਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਡਾਈਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਪਲੇ ਆ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਟੂਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਡਾਈ, ਐਂਡ ਇਨ ਵਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਪਰਖਿਨ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਪਰਖਿਨ ਲਈ, ਪਰਖਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਰਚ ਫੋਰ ਅ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੈਨਰੀ ਪਰਖਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ।